हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बजाज का इंडक्शन रिपेयर करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, बजाज स्प्लेंडर 1200 वाट का इंडक्शन है और ये इसका सर्किट है। मैंने इसको खोल लिया है। इस सर्किट में मेनली प्रॉब्लम है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सप्लाई आईसी लगी हुई होती है जो कि 5 और 18 वोल्ट सप्लाई देती है इस TX की मदद से। और ये आईसी आप देख सकते हैं फटी हुई है, बर्न हो चुकी है और इस टाइम शॉर्ट है। अब यदि तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस आईसी को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आईसी में होल भी हो चुका है, लाइट ज़्यादा या किसी और चीज़ के कारण। देख सकते हैं इसमें एक बारीक होल सा दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस आईसी को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों चलिए आईसी को बाहर निकाल लेते हैं। इतने में आईसी बाहर निकाल रहा हूँ। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों प्रिंट को बहुत अच्छे से साफ कर लें। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आईसी को निकाल लिया है। मैं आईसी इसमें लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस आईसी को इसमें लगा दिया है और मैं आपको इसका नंबर भी दिखाने वाला हूँ। देखिए वाइपर 12 मैंने इसमें फिट कर दिया है बहुत अच्छी तरह से। यदि आपको ऐसी लगानी है तो आप स्क्रीन शॉट ले लें और मैं अब आपको ये चलाकर दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये कनेक्ट कर लिया है और मैं अब इसका प्लग लगाकर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप LED ब्लिंक देख सकते हैं और सेट ऑन भी हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने अभी आपको चलाकर दिखाया एक SMD IC की जगह डीप IC लगाई वाइपर 12। तो दोस्तों ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।